हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल स्टेटिस्टिशियन पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर ही मेरे लिए मोटिवेशन है और इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो मेरे को जल्दी से जल्दी वीडियो अगली अपलोड करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप वन एरर क्या होता है, टाइप टू एरर क्या होता है और टाइप वन टाइप टू एरर में कौन सा ज़्यादा सीरियस होता है, इस बात को भी डिस्कस करेंगे। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, पावर ऑफ टेस्ट के बारे में और क्रिटिकल रीजन, ये हम पाँच टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप वन एरर और टाइप टू एरर के बारे में। तो जब हम टेस्टिंग करते हैं नल हाइपोथेसिस की अल्टरनेट के अगेंस्ट, तो हमारे पास क्या होता है कि दो डिसीजन होते हैं। या तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर नॉट रिजेक्टिंग, यानी हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको हम दूसरे शब्दों में एक्सेप्ट भी कहते हैं। बट यहाँ पर जो स्टेटिस्टिकली लैंग्वेज होती है उसके अंदर या तो रिजेक्ट कर सकते हो और या फिर रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, ये दो ही चीज़ें पढ़ी जाती हैं। एक्सेप्ट का वहाँ पर कोई भी नाम नहीं होता। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि रिजेक्टिंग एच नॉट या फिर नॉट रिजेक्टिंग एच नॉट। तो हमारे पास दो ही कंडीशन होती है कि या तो आप एच नॉट को रिजेक्ट कर दीजिए या फिर आप एच नॉट को रिजेक्ट मत कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस प्रोसेस के अंदर जो हम डिसीजन लेते हैं कि एच नॉट को रिजेक्ट करें या नहीं करें, इस प्रोसेस के अंदर भी हमसे क्या होता है, एरर हो जाते हैं, यानी ये प्रोसेस भी एरर फ्री नहीं है। तो इस प्रोसेस के अंदर हमसे जो दो तरीके के एरर होते हैं वही हमारे टाइप वन और टाइप टू एरर होते हैं। तो हमारा टाइप वन एरर क्या होता है कि हमने क्या कर दिया, एच नॉट हमारा ट्रू था, यानी आप कोई दवाई ले रहे हो और आप उससे सही हो जाते हो, ये बात सही है, मतलब जो दवाई है आप ले रहे हो उससे सही हो सकते हैं। एच नॉट आपने माना कि कोई दवाई है वो काम कर रही है, पर फिर भी आपने एच नॉट रिजेक्ट कर दिया कि आपने क्या कह दिया, दवाई काम नहीं कर रही। आपका एच नॉट सही था फिर भी आपने कह दिया कि नहीं ये गलत है। तो ये क्या तरीके का एरर है, फर्स्ट तरीके का एरर है, टाइप वन एरर इसको कहते हैं। यानी आपको कैंसर है और आपने फिर भी कह दिया कि साहब हमें कैंसर नहीं है, तो ये क्या है, टाइप वन एरर है। तो अब हम बात करते हैं टाइप टू एरर के बारे में। आपने एच नॉट मानी कि आपको कैंसर है, यानी आपको एच नॉट मानी है आपको कैंसर है, और अगर कैंसर है ट्रू के केस में तो आपका टाइप वन एरर हो जाता है, और अगर कैंसर नहीं है आपका जो एच नॉट गलत हो, यानी आपका एच नॉट गलत हो फॉल्स हो और फिर भी आप कह दो कि हाँ आपको कैंसर है, यानी आप एक्सेप्ट कर लो उस बात को कि हाँ आपको कैंसर है, बल्कि आपको वाकई में कैंसर नहीं है, तो क्या हो जाता है, आपका टाइप टू एरर हो जाता है। तो टाइप वन एरर कब होता है, जब आपका एच नॉट क्या हो ट्रू हो और आप क्या कर दो उसको रिजेक्ट कर दो, तो टाइप वन एरर हो जाता है। और टाइप टू एरर क्या होता है, जब आपका एच नॉट ट्रू नहीं हो तब आप जो है एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हो या रिजेक्ट करने से फेल हो जाते हो, तब आपका क्या हो जाता है, टाइप टू एरर हो जाता है। दोनों के अंदर आपको याद रखना है कि आपका जब एच नॉट ट्रू हो तब आप टाइप वन एरर करते हो, किस तरीके से, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी आपने टैबलेट ली और आप सही हो रहे हो और फिर भी कह दिया कि आप सही नहीं हो रहे हो, तो टाइप वन एरर हो गया। और टाइप टू एरर क्या हो गया, आप सही हो रहे हो ये बात गलत है फिर भी आपने कह दिया कि आप सही हो रहे हो, यानी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको जस्ट एच नॉट पे ज़्यादा ध्यान देना है कि एच नॉट अगर ट्रू है और आपने जो एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया तो टाइप वन एरर, और एच नॉट अगर गलत है और फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया तो टाइप टू एरर। इस तरीके से टाइप वन टाइप टू एरर होते हैं। अब हम बात करते हैं अल्फा और बीटा के बारे में। अल्फा बीटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब अल्फा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है किसकी, टाइप वन एरर के होने की। यानी हमने टाइप वन एरर की बात करी तो किस क्या बात थी कि हमारा एच नॉट अगर ट्रू है और फिर भी हम क्या कर रहे हैं, एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है अल्फा, और बीटा क्या होती है टाइप टू एरर की प्रोबेबिलिटी। यानी अगर हमारा एच नॉट गलत है फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बीटा होती है। अब ये
अल्फा और बीटा जो है ये 0 से 1 के इंटरवल में लाई करते हैं, यानी इनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, फिशेरियन थ्योरी, जो हमारे अल्टरनेट हाइपोथेसिस का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी हमारा जो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं मानता, जो फिशेरियन थ्योरी है। तो ये आपको इतना याद नहीं रखना, यहाँ पर आपको बस अल्फा बीटा और टाइप वन टाइप टू एरर कौन से होते हैं वो याद रखना है। टाइप वन एरर की बात आएगी तो आपको एच नॉट ट्रू है वो देखना है, पहले तो एच नॉट ट्रू देखो कौन कौन से ऑप्शन में दिया गया है, और फिर देखो कि अगर रिजेक्टिंग एच नॉट है, एच नॉट ट्रू है, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप किसको देखोगे, जब टाइप टू एरर का क्वेश्चन आएगा तो आप देखोगे एच नॉट गलत कौन से में, एच नॉट फॉल्स, और फिर देखोगे कि कौन से में एच नॉट को एक्सेप्ट किया जा रहा है या फेल टू रिजेक्ट, अनेबल टू रिजेक्ट कौन से में लिखा है। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो आप टाइप टू एरर पे टिक कर दें। अब अल्फा बीटा की बात आई तो अल्फा टाइप वन एरर के लिए, वन यानी अल्फा दो नंबर पे आता है बीटा, तो टाइप टू एरर के लिए बीटा और टाइप वन एरर के लिए अल्फा। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और पावर ऑफ टेस्ट के बारे में। तो जो हमारा टेस्ट होता है जिसके अंदर हमारे दोनों एरर आते हैं, यानी कोई भी आइडल टेस्ट क्या होगा, ऐसा टेस्ट जिसके अंदर दोनों एरर क्या हो, जीरो हो, तो ऐसा टेस्ट कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रोफेसर आर ए फिशर ने क्या बताया कि आप टाइप वन एरर को एक छोटे से छोटे पॉइंट पे आप फिक्स कर लीजिए, यानी जितना मिनिमम कर सकते हो उतना मिनिमम करो और उसको उस लेवल पे फिक्स कर दो, और उसके बाद यानी वो जो आर्बिट्री लेवल होता है उस पे फिक्स कर लिया, और उसके बाद आप क्या करो टाइप टू एरर को कम कर दो। तो ये क्या होता है, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। और इन्होंने ये टाइप वन एरर को फिक्स करने की बात क्यों कही, क्योंकि टाइप वन एरर क्या होता है, ज्यादा सीरियस होता है टाइप टू एरर से। ये बात याद रखना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की डेफिनेशन ही इसीलिए आती है, क्यों, क्योंकि टाइप वन एरर ज्यादा सीरियस होता है। अब बहुत जगह बुकों में लिखा है, कोई कहता है बीएल अग्रवाल में लिखा है, कोई कहता है किसी बुक में लिखा है, कोई कहां पढ़ के आता है। अगर टाइप वन एरर ज्यादा सीरियस नहीं होगा तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की डेफिनेशन ही खतरे में आ जाएगी। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि जो हमारा टाइप वन एरर है वो ज्यादा सीरियस होता है, टाइप वन एरर को एक लेवल पे फिक्स कर दिया जाता है और टाइप टू एरर को कम किया जाता है। अब जो ये इन्होंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट, जो एक अच्छा टेस्ट निकालने के लिए आर ए फिशर ने एक कॉन्सेप्ट बताया कि एक अच्छा टेस्ट कैसे निकाल पाओगे आप, तो उसके लिए ये आपने कॉन्सेप्ट बताया। तो इसके बाद क्या आया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और पावर ऑफ टेस्ट की डेफिनेशन निकल के आती है। तो सबसे पहले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की डेफिनेशन क्या होती है, कि जिस लेवल पे आप टाइप वन एरर को फिक्स कर रहे हो, यानी टाइप वन एरर का जो साइज है जहां पर या जिस लेवल पे आप फिक्स कर रहे हो उस लेवल को कहा जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब अगर आपने कह दिया है टाइप टू एरर ज्यादा सीरियस होता है, तो आर ए फिशर के हिसाब से टाइप टू एरर ज्यादा सीरियस होता है तो उसको कम करो, तो कॉन्सेप्ट खतरे में आ जाएगा, लेवल टू जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एग्जिस्ट करता है किस वजह से, क्योंकि टाइप वन एरर ज्यादा सीरियस होता है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है कि आपका जो वो लेवल, जिस लेवल पे आप टाइप वन एरर को फिक्स करते हो, छोटा से छोटा लेवल यानी आर्बिट्री लेवल जिस पर टाइप वन एरर फिक्स किया जाता है वही आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है। अब दूसरी डेफिनेशन आती है पावर ऑफ टेस्ट की। तो यहां पर क्या होता है, जैसे हम अल्फा को फिक्स करा तो अल्फा हमारा क्या हो गया, यानी हम टाइप वन एरर को फिक्स कर रहे हैं, तो टाइप वन एरर को फिक्स करना क्या होता है हमारा, टाइप वन एरर को फिक्स करना उस आर्बिट्री लेवल पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया। अब हम जो हमारा टाइप टू एरर है वो कहाँ से आता है, बीटा से आ रहा है, तो उस बीटा को हम मिनिमम कर दें या फिर वन माइनस बीटा को मैक्सिमम कर दें, क्योंकि वन माइनस बीटा क्यों करा, यहाँ पर वन ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ी वैल्यू होगी अल्फा और बीटा की वन, तो इसीलिए वन माइनस बीटा को मैक्सिमाइज कर दो, या तो बीटा को कम कर दो या फिर वन माइनस बीटा को ज्यादा कर दो। तो यानी इस प्रोसेस में जो वन माइनस बीटा जो निकल के आ रहा है वो वन माइनस बीटा ही क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट होता है। तो सीधा सा क्वेश्चन आता है
पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है, तो वहां पर अल्फा बीटा, वन माइनस अल्फा वन माइनस बीटा दिया होगा, तो वहां पर आपका क्या होता है पावर ऑफ टेस्ट, क्या होता है हमारा वन माइनस बीटा होता है। तो ये आपको याद रखना है। और यहां पर ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है कि आउट ऑफ द टू एरर इन टेस्टिंग द मोर सेवरर एरर इज टाइप टू एरर, अब ये लाइन एज इट इज किसके अंदर लिखी हुई है, बीएल अग्रवाल के अंदर लिखी हुई है, तो आपको लगता है कि टाइप टू एरर ज्यादा सीरियस है। यहां पर इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है, टाइप वन एरर ज्यादा सीरियस होता है, इसीलिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की डेफिनेशन आती है और इसीलिए पावर ऑफ टेस्ट की डेफिनेशन आती है। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है और पावर ऑफ टेस्ट क्या है। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल रीजन की। तो हमारा जो एक टेस्ट होता है उसके अंदर जो हमारा सैंपल स्पेस होता है, अब आपको ये मैथमेटिकली टर्म्स हैं उनके बस नाम याद रख लेने, कि जो हमारा सैंपल स्पेस होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। यानी अगर जो वैल्यू हमारी यहाँ पर सी आर लिखा हुआ है वो एक्स जो बिलोंग्स टू सी आर, अब अगर कोई वैल्यू जो सी आर के अंदर आ रही है, यानी यहाँ पर जो सी आर के अंदर कोई वैल्यू आती है, तो हम एच नॉट रिजेक्ट कर देते हैं, यानी वी रिजेक्ट एच नॉट। तो इस रीजन को, यानी जो सी आर जो हिस्सा बांटा है हमने, उसको हम क्रिटिकल रीजन कह देते हैं या फिर रीजन ऑफ रिजेक्शन कह देते हैं। यानी पूरा जो सैंपल स्पेस है उसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो सी आर और एक एक्स माइनस सी आर, या फिर आप जो है क्या अगर समीशन मानते हैं तो समीशन माइनस सी आर, या फिर जो लैम्डा माइनस सी आर या ओमेगा माइनस सी आर, जो भी माने आप, पूरा स्पेस जो होल स्पेस होता है उसमें से अगर सी आर घटा दोगे तो आपके पास नॉन रिजेक्शन रीजन बच जाता है, या फिर उसको एक्सेप्टेंस रीजन भी कह देते हैं। तो यानी आपका जो होल सैंपल स्पेस है, यहाँ पर देखिए एक्स को काट के लिखा हुआ है, तो ये होल स्पेस को डिनोट करने का सिंबल है, और इसमें से अगर होल स्पेस के सिंबल में से सी आर घटा दो तो क्या होगा, आपके पास एक्सेप्टेंस रीजन आ जाएगा, और जो सी आर है वो क्या है, रिजेक्शन रीजन या फिर क्रिटिकल रीजन भी पढ़ते हैं। अब क्रिटिकल रीजन को देखिए, दोबारा बता देता हूँ कि ऐसा जो हमारा रीजन जिसके अंदर अगर पॉइंट गिरता है तो हम, यानी जो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे एक ग्राफ हुआ उसको प्लॉट कर रहे हो, तो अगर जो ग्राफ को प्लॉट करते टाइम अगर पॉइंट इस रीजन के अंदर आ जाता है सी आर के अंदर, तो हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है, अगर इस रीजन से बाहर होता है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यही हमारा क्रिटिकल रीजन होता है, याद रखना। और जो इस क्रिटिकल रीजन के अलावा जो स्पेस बच जाता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, हमारा एक्सेप्टेंस रीजन कहा जाता है। अब जो क्रिटिकल रीजन होता है उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, अल्फा के बराबर होता है, यानी जो हमारी जो टाइप वन एरर की प्रोबेबिलिटी होती है, जो टाइप वन एरर की प्रोबेबिलिटी होती है उसके बराबर ही आपका क्रिटिकल रीजन का साइज होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको दे देगा क्रिटिकल रीजन और इक्वल्स टू, यहाँ पर अल्फा बीटा वन माइनस अल्फा वन माइनस बीटा ऑप्शन में मिल जाएगा, तो आपको अल्फा टिक कर देना है। बस इसके अंदर बहुत सारी जो थ्योरी है वो आपको याद नहीं रखनी है, आपको बस इतना याद रखना है कि क्रिटिकल रीजन क्या होता है, ऐसा रीजन जहां पर अगर कोई पॉइंट गिरता है तो वहां पर आप रिजेक्ट कर देते हो एच नॉट, और इसकी जो वैल्यू किससे नापी जाती है, यानी इसका जो साइज होता है वो कैसे निकालते हैं, अल्फा के बराबर होता है, यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर होती है उसके बराबर हमारा जो क्रिटिकल रीजन है उसका साइज होता है। ये आज की मेन बात है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। काई स्क्वायर टेस्ट बहुत सारी उसके अंदर चीजें हैं, बहुत सारा टफ सा टॉपिक चलने वाला है, तो आप थोड़ा सा इसको बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर भी देखें, दो बार नहीं तीन बार देखें, समझ में आ जाएगा। और अगर आपने कहा कि एक बार देख लिया और फिर नहीं समझ में आ रहा, नीचे कमेंट में लिख दिया कि सर और इलेबरेट कीजिए, अब इससे ज़्यादा इलेबरेशन नहीं होता है। कोई चीज़ को आप मैथमेटिक बैकग्राउंड से नहीं है फिर भी आपको इतना इलेबरेट करके बता दिया कि यहाँ पर जो ओमेगा से लिख सकते हो, या फिर एक्स को काट के जिस तरीके से लिखा जाता है यही सैंपल स्पेस है। अब सैंपल स्पेस की डेफिनेशन बताने जाऊँगा तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा जो पढ़ा हुआ है,
तो आपको जितना बताया जा रहा है उसको बार बार रिपीट करो, आपको समझ में आ जाएगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।